नमस्कार, मैं डॉक्टर सतीश शर्मा, DHMS। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज का सवाल है, खांसी दमा का इलाज बताएं। तो बहुत पुरानी खांसी, बलगम वाली या सूखी, जिसकी वजह से दमा की प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, अस्थमा की प्रॉब्लम हो रही है, चलने फिरने में परेशानी होती है, बैठे बैठे सांस भरने लगता है, मेनली दमा की प्रॉब्लम धूल मिट्टी से एलर्जी के कारण हो सकती है, गलत खान पान की वजह से हो सकती है, ज़्यादा फास्ट फूड तली भरी चीज़ें खाने की वजह से, या चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है। चाहे पुरानी खांसी की वजह से चेस्ट इन्फेक्शन हो, सूखी खांसी हो, बलगम वाली हो, या फिर बचपन में कोई नमूनिया बिगड़ जाने के कारण कोई चेस्ट इन्फेक्शन रह गया है जिसकी वजह से दमा की प्रॉब्लम हो गई है। तो इसके लिए आज मैं बहुत ही बढ़िया एक होम्योपैथिक दवा आपको बता रहा हूँ। दवा का नाम है डॉक्टर दमा प्लस BC2। ये टैक्टिस इंडिया का गवर्नमेंट अप्रूव फार्मूलेशन है और दवा कॉम्बो पैक में रहती है। इसमें दो तरह का दवा होता है, पीने के लिए डॉक्टर दमा ड्रॉप्स, जिसकी 20-20 बूंद दवा की 1 कप पानी के अंदर मिलाकर दिन में 4 बार पीना होता है, और इसके साथ बायोकेमिक नंबर 2 की टैबलेट होती है जो 4-4 गोली दिन में 3 बार लेनी होती है। दवा को बीमारी के आधार पर कम से कम 2-3 महीना जरूर लेना चाहिए। दवा के साथ खुशबू वाली चीज़ें नहीं लेनी है, जैसे कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन, इलायची, सौंफ, हींग, कॉफ़ी, या बहुत ज़्यादा ठंडा और खट्टा ना लें। अधिक जानकारी के लिए कंपनी की वेबसाइट www.tactis.in या कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर भी नोट कर सकते हैं 8285742000, और आप लोगों की सुविधा के लिए कंपनी का लिंक और कॉन्टैक्ट नंबर कमेंट में भी दे रहा हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।